दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मजबूरन कर्ज करना पड़ा है और वो कर्ज चुकाना भी चाहते हैं मगर चुका नहीं पाते। हर प्रयास करने के बावजूद भी कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे। दोस्तों, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो मैं आपको भरोसा देता हूँ, एक रात में तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मगर उपाय पूरा कर लेते हैं तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ते नजर आएंगे। कहीं न कहीं से आपको सहायता अवश्य मिलेगी और कुछ समय बाद आपके जीवन से कर्ज का बोझ उतर जाएगा। इस बात पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि ये ऐसा उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता है, अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो। दोस्तों, अगर पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जैसी सीताराम जरूर लिख दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये उपाय मंगलवार के दिन करेंगे और 9 मंगलवार तक करना है। पवित्रता का पूरा ख्याल रखें, शराब और नॉनवेज से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये एक सात्विक उपाय है। यदि कोई बहन ये उपाय करती हैं, बीच में कोई मंगलवार अपवित्रता के कारण छोड़ना पड़ जाए तो वो मंगलवार छोड़ दें, अगले मंगलवार करें। आपको एक जटा वाला नारियल लेना है जो पानी से भरा हुआ हो, और आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर जो हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, और चमेली का तेल। फिर मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर नारियल के ऊपर अनामिका उंगली से स्वास्तिक बनाएं। फिर इस नारियल को अपने पूजा घर में रख दें। फिर शाम के समय सूर्यास्त के बाद इस नारियल को लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। साथ में थोड़ा गुड़ का टुकड़ा ले जाएं। फिर नारियल के ऊपर स्वास्तिक वाली जगह पर गुड़ का टुकड़ा रखकर बजरंग बली के चरणों में अर्पित करें और राम नाम की माला करें, राम नाम का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कर्ज मुक्ति के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी को प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे कर्ज से छुटकारा दिलवाएं। पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ 9 मंगलवार आप ये उपाय करें। दोस्तों, एक बार फिर बोल रहा हूँ, 24 घंटे में कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपके रास्ते नजर आएंगे। कहीं न कहीं से आपको सहायता अवश्य मिलेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप और आपका परिवार कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।